अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ एट होम। देखो बच्चों, अभी उत्तरायण के दिन चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, टेरेस पर अकेले नहीं जाना है, ओके? काइट फ्लाइंग सबको बहुत इंजॉयिंग लगता है, बट सेफ्टी फर्स्ट। ऑल राइट चिल्ड्रेन, आप लोगों को बहुत संभल कर रहना है, बहुत ध्यान रखना है, इवन के रास्ते पर भी आपको बहुत संभाल कर चलाना है, क्योंकि पतंग के दौरे कहीं भी कहीं से भी आ जाते हैं, ओके? और रास्ते पर या टेरेस पर आपको दौड़कर पतंग पकड़ना नहीं है, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने लूट लिया लूट लिया, नो नो नॉट एट ऑल। आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। पतंग हम 1-2 रुपए की खरीदते हैं, पर हमारी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना है, है ना? अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना है। पतंग एंजॉय करना अलग बात है, पर अपनी लाइफ को रिस्क में डालना ये बिल्कुल सही नहीं है, ओके? अपने बड़ों की निगरानी में ही आपको हर काम, हर फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। चलो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडीज, गेट बैक टू वर्क। आई माई सेल्फ शेख सुमैया ऑन बिहाफ ऑफ SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल विल गोइंग टू टीच यू टूडे अवर सब्जेक्ट EVS फ्रॉम स्टैंडर्ड 2nd semester टू चेरी बुक। अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 6, ऑल अबाउट एयर। लेसन नंबर 6, ऑल अबाउट एयर। यानी एयर तो आपको सबको पता ही है, अभी तो पतंग चल रही है, तो वो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे पता होगा कि पतंग उड़ानी है, तो अभी हवा किस तरफ की आ रही है उसी तरफ हम पतंग चगाएंगे, है ना? यानी हवा के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी होगी, फिर भी आज हम थोड़ा और उसके बारे में सीखेंगे, है ना? तो एयर क्या है? एयर यानी हवा। हवा जो हम सांस लेते हैं, बराबर, वो भी हवा है। जैसे हम पंखा चालू करते हैं तो हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, फिर गर्मी और ठंडी का एहसास कब होता है? जब हवा चलती है या रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें हवा से पता चलती है। हवा जो है वो सिर्फ फील होती है ना, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। तो आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जानेंगे हवा के बारे में। लेट अस वार्म अप आवर सेल्फ। व्हेन यू टॉस अ पेपर प्लेन इट फ्लाइज फॉर अ फ्यू सेकंड्स, व्हाट इज मेकिंग द प्लेन फ्लाई? आप लोगों ने तो बहुत प्लेन्स बनाए होंगे, है ना? क्लास में तो मेरे को पता ही है, ईच एंड एवरी टाइम बच्चे क्या करते हैं, बुक में से पेजेस फाड़ते हैं, फिर उसका प्लेन बनाया और एक दूसरे के ऊपर उड़ाते हैं, है ना? उड़ाते हैं ना, तो आपको पता है वो प्लेन उड़ता कैसे है? कुछ टाइम के लिए ही उड़ता है, कुछ सेकंड्स के लिए, पर वो उड़ता कैसे है? बिकॉज ऑफ एयर, हवा होती है, इस वजह से वो उड़ पाता है। यहाँ देखो, है ना, ये बताया है, ये पेपर प्लेन है ना, आप लोग क्या कहते हैं उसको, रॉकेट बोलते हैं ना, रॉकेट भी। तो इस तरह से आप लोग हवा में ये प्लेन पेपर का जो होता है वो उड़ाते हैं, और वो क्यों उड़ता है? क्योंकि वो हवा में आ जाता है, तो हवा के वजह से वो उड़ता है। ओके, नाउ एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा क्या है? हर जगह होती है ना, हवा हर जगह होती है। इट फिल्स ऑल स्पेसेस, यानी वो हर जगह भर जाती है, हर जगह को हवा से भर जाती है। वी कैन नॉट टच सी और स्मेल एयर, हम लोग एयर को टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते और स्मेल भी नहीं कर सकते। We can only feel it, हम सिर्फ उसको feel कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Air has no smell, color or taste, जैसे हमको पता है ना, पानी, पानी का कोई color नहीं होता, पानी का कोई taste नहीं होता और पानी की कोई smell नहीं होती, इसी तरह से air में भी कोई smell नहीं, कोई color नहीं और कोई taste नहीं होता। उसमें कब पता चलता है कोई भी चीज़ की स्मेल? जैसे कि भाई परफ्यूम है,
तो अगर हम परफ्यूम स्प्रे करेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि भाई ये तो रोज़ की स्मेल है या लेवेंडर की स्मेल है, तो वो जो स्मेल होती है वो उसके अंदर एक अलग से इंग्रेडिएंट होता है, उसकी स्मेल पता चलती है, पर वो हवा में आने से वो पूरी जगह फैल जाती है और उसकी स्मेल हमें फील होती है, पर हवा की कोई खुद की स्मेल नहीं होती। इस तरह से हमको उसका कोई कलर भी दिखाई नहीं देता, पर जब हम देखते हैं ना धुआं उठ रहा है बराबर, तो वो जो धुआं होता है वो फैक्ट्री में से निकलने वाला जो कचरा होता है वो हवा में मिक्स हो जाता है और फिर वो धुएं की तरह उड़ने लगता है, पर एयर की खुद की कोई कलर नहीं होती। इस तरह से जो टेस्ट है ये एयर का कोई टेस्ट नहीं होता बराबर। ऑल राइट, नाउ व्हेन यू टेक अ डीप ब्रीथ यू कैन फील द एयर, जब आप लंबी सांस लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने हवा को फील किया राइट। व्हेन यू स्विच ऑन अ फैन यू कैन फील एयर, जब आप पंखा चालू करोगे तब भी आप हवा को फील कर सकते हो। एयर मेक्स अस फील हॉट एंड कोल्ड, एयर से हमको ठंडी या गर्मी का एहसास होता है। नाउ एयर गिव्स शेप टू थिंग्स, अब हवा कैसे थिंग्स में भर जाती है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हम बलून के अंदर हवा भरते हैं तो बलून बड़ी साइज़ का हो जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हवा से शेप चेंज होते हैं है ना, यानी एयर जो है वो जगह को रोकती है बराबर। ओके, नाउ देयर आर सम मोर वेज बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस, और भी बहुत से वेज है रास्ते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि एयर जो है वो हर जगह होती है। लीव्स और ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मूव व्हेन द एयर मूव्स, है ना, आप लोगों को पता चलता होगा जब आप लोग घूमने जाते होंगे जैसे डूमस है या तो कहीं पिकनिक स्पॉट पे गए हो या कहीं गार्डन में गए हो, तो वहाँ जो प्लांट्स और लीव्स जो होते हैं ना वो हलते हैं, तो वो क्यों हलते हैं, बिकॉज ऑफ एयर, एयर होती है इसलिए वो हलते हैं, इसलिए वो मूव करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर हवा चल रही है राइट। नाउ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, अब वो जो हवा हमको ऐसा लगता है ना जो चल रही है, तो वो चलने वाली हवा को हम कहते हैं विंड, है ना, जो धीरे धीरे हवा चलती है जिसको हम फील कर सकते हैं वो क्या होती है उसको हम कहते हैं विंड। यानी विंड का एक सिंपल थॉट क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ऑल राइट, ओके, देखो जहाँ पर ये देखो यहाँ हवा ऐसा लगता है ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये पत्ते गिर रहे हैं, झाड़ ऐसे हल जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ये कपड़े जो एकदम ज़ोर ज़ोर से घूम रहे हैं इधर उधर हल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे ब्रीज, यानी थोड़ी जो तेज़ हवा चलती है उसको हम कहेंगे ब्रीज। व्हेन विंड ब्लोज जेंटली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज, यानी जो हवा चलती है बराबर, हवा तो चलती ही रहती है पर हवा चलती है जिससे कपड़े हिलते हैं पत्ते हिलते हैं, ऐसी हवा ऐसी चलने वाली हवा को हम कहेंगे ब्रीज, यानी जो हल्के हल्के से चलती है जिससे चीज़ों को मोशन मिलता है वो होती है ब्रीज। और देखो कोई ऐसी हवा है जिससे भाई देखो कि ये झाड़ भी गिर गया, पूरा घर हिलने लग गया है ना, पूरा मतलब ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है हम भी साथ में उड़ जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं स्टॉर्म, है ना, वो भी होती है चलने वाली हवा, यानी वो भी मूविंग एयर है, पर वो कैसी हवा है जिससे नुकसान पहुँचता है उसे हम कहते हैं स्टॉर्म। तो जो जेंटली हवा चलती है उसे हम कहते हैं ब्रीज, एंड व्हेन विंड ब्लोज फास्ट इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म, यानी जब विंड जो है बहुत फास्ट चलती है उसे हम कहते हैं स्टॉर्म। नाउ लेट अस क्विक चेक टिक राइट द ट्रू स्टेटमेंट्स, नंबर वन मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, क्या ये सही है कि मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, यस, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे। जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, जो जेंटली मूव्स करती है एयर क्या वो स्टॉर्म है,
नो तो यहाँ पर हम रॉन्ग लिखेंगे, क्योंकि जेंटली मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, ब्रीज। और जो स्टॉर्म किसको कहते हैं, जो विंड जो फास्ट ब्लो करती है उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है, एयर हेल्प्स अस स्मेल थिंग्स। एयर जो है वो चीज़ों को स्मेल करने में मदद करती है। जैसे मम्मी किचन में कुछ पका रही है पर हमें ड्राइंग रूम में पता चल जाता है, ओहो मम्मी आपने तो बहुत टेस्टी नूडल्स बनाए हैं, मुझे यहाँ तक स्मेल आ रही है ने। या तो ओहो मम्मी आपने बहुत अच्छी चिकन बनाई है, मुझे जल्दी जल्दी भूख लगने लगी। तो वो कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ एयर, है ना। जो एयर चल रही है उससे किचन में पकने वाली चीज़ की स्मेल हमें ड्राइंग रूम तक आ गई, टीवी देखते देखते हमें भूख लग गई उसकी स्मेल से। तो एयर जो है वो स्मेल करने में मदद करती है। नाउ व्हाई डू वी नीड एयर, एयर क्यों ज़रूरी है, है? ऐसा तो आपको पता ही होगा कि अब थोड़ी देर के लिए आप अपनी नाक बंद करके देखो, कैसा फील होता है आपको, एकदम एग्जॉस्टेड फील होगा, है ना। ऐसा लगेगा कि जैसे अभी मैं मर जाऊंगा, है ना, होता है ना कभी कभी। तो कितने बच्चों को कैसा होता है पता है, खाली हम उनको बाथरूम में या टॉयलेट में बंद कर दूं ना तो भी वो एकदम ऐसा लगता है उनकी सांस फूल गई हो, है ना, क्योंकि हवा जो है वहाँ पर स्लो जाने लग जाती है, वहाँ अंदर एयर की जाने की जगह नहीं बच जाती। तो वो क्या होता है, वो अंदर एकदम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो हमको पता है ना कि भाई एयर कितनी नेसेसरी है। सबसे पहले तो एयर जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं वो क्या होता है, एयर। ब्रीद इन करते हैं तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, और ब्रीद आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पर वो हम कब कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ एयर, राइट। तो एयर इज वेरी नेसेसरी। फिर हमको जो चीज़ें हिलती हुई नज़र आती है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एयर। फिर हमको जो ठंडी गर्मी लगती है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एयर। और कई कई बार तो कैसा होता है कि प्लांट्स को एयर नहीं मिलती एडिक्वेट प्रोपोर्शन में, तो वो प्लांट्स मुरझा जाते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी एयर बहुत नेसेसरी है। सो एयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चलो उसके बारे में हम देखेंगे। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीद एंड लिव, है ना। जो हम सांस लेते हैं और जो हम जिंदा है उसके लिए एयर बहुत ज़रूरी है। वी ब्रीद इन एयर ऑल द टाइम, यानी हम ऑल द टाइम सांस तो लेते ही है, है ना। सांस नहीं लेंगे तो वी विल डाई। तो हम एवरी टाइम एयर इन करते हैं, यानी ब्रीद करते हैं, इनहेल करते हैं। दिस एयर फिल्स आवर लंग्स, हमारा जो लंग्स है वो एयर से भर जाता है, और फिर वहाँ से प्योरिफिकेशन होता है, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरह से काम करती है। एनिमल्स ऑल्सो नीड टू ब्रीद इन एयर टू लिव, एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए एयर ज़रूरी है ना, वो भी तो सांस लेते हैं ना, वो भी लिविंग बींग्स हैं। ओके, प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड, अब जो प्लांट्स हैं वो उनका खाना कैसे बनाते हैं, बिकॉज ऑफ एयर, है ना। देयर आर सम अदर यूजेस ऑफ एयर, एयर के और भी बहुत से यूजेस हैं, तो चलो आगे देखते हैं। बोट्स सेल विद द हेल्प ऑफ एयर, है ना, ये जो बोट है इसके ऊपर ये जो पर्दा लगा हुआ है बराबर, ये कब हलेगा, जब इसमें एयर लगेगी, जब इसमें एयर टच करेगी तो एयर की वजह से फिर ये बोट आगे बढ़ेगी बराबर। तो बोट को सेल करने के लिए भी एयर ज़रूरी है। कार्स एंड अदर व्हीकल्स हैव एयर इन देयर व्हील्स विच हेल्प देम मूव, अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। जो बच्चे साइकिल चलाते होंगे ना उनको तो पता ही होगा, थोड़ी सी भी हवा कम हो जाती है ना साइकिल में तो क्या हो जाता है, चलती नहीं है साइकिल बराबर से, है ना, ऐसा लगता है कि बहुत हैवी हो गई है साइकिल। और जैसे ही हमने टायर में एयर फिल किया, है ना, तो कैसे साइकिल फटाफट दौड़ती है। और दूसरी क्या कि हम अगर मम्मी पापा के साथ घूमने गए और गाड़ी में भाई हवा कम है तो गाड़ी आगे ही नहीं चलती, पापा क्या कहते हैं, भाई तुम थोड़ी देर रुको मैं हवा भरा के आता हूँ, होता है ना, कितनी बार देखा होगा आप लोगों ने। तो हम जो गाड़ी चलाते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, उसके अंदर जो टायर्स लगे होते हैं ना,
उसमें भी एयर फिल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे व्हीकल्स बराबर से चलते नहीं हैं। तो एयर क्या करते हैं, हमारे व्हीकल्स को मूव करने में भी मदद करते हैं। इन द सेम वे एयर इज फिल्ड इन फुटबॉल्स एंड बलून्स। ओहो, ये तो बहुत मज़ेदार है। हम लोग यहाँ स्कूल में गेम पीरियड होते हैं तो टीचर्स हमको फुटबॉल खेल लगाते हैं, और अचानक क्या हो गया कि भाई फुटबॉल में हवा ही नहीं है, तो हमारी तो टाई टाई फिस, अब क्या होगा, पूरा गेम का पीरियड बेकार। तो हमारी जो फुटबॉल है उसमें भी हमको एयर फिल करना इम्पॉर्टेंट है। और बलून्स, बलून्स तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, पर बलून्स में अगर हवा ही ना हो तो उड़ेंगे वो? नहीं उड़ेंगे। तो फुटबॉल्स और बलून्स जो बच्चों की एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उसमें भी एयर ज़रूरी है ना। कितनी कितनी जगह एयर की ज़रूरत हो रही है, देखो। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर। अब जो बर्ड्स और एरोप्लेन्स हैं ये भी एयर की मदद से उड़ते हैं, है ना। अभी मम्मी को हज पढ़ने जाना है, पर अभी प्लेन कैसे जाएगा, हवा होगी तो प्लेन उड़ेगा ना, बराबर। तो एरोप्लेन्स एंड बर्ड्स ऑल्सो फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर। फायर बर्न्स विद द हेल्प ऑफ एयर। अब ये तो हमको पता ही है कि पंखा चालू कर देते ना तो चूल्हा बंद हो जाता है। मम्मी क्या कहते हैं, बेटा ज़रा पंखा बंद कर दे, नहीं यहाँ हवा लगती, खाना नहीं बनता। पर इम्पॉर्टेंट, आपको पता है एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर एयर नहीं होगी ना तो फायर जलेगी भी नहीं। यानी अगर तेज़ हवा हुई तो फायर बंद हो जाएगी, पर हल्की हवा होगी तो ही फायर जलेगी। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फायर बर्न्स। तो फायर को भी जलाने के लिए एयर ज़रूरी है। आप लोग ना ऐसा घर पर एक करके देखना, मोमबत्ती को जलाना और फिर उसके ऊपर ऊंधा ग्लास रख देना तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। इससे क्या पता चलता है हमें कि ग्लास रखने से अंदर हवा जाना बंद हो गई, तो वो मोमबत्ती को वहाँ हवा नहीं मिली ना तो वो बुझ गई। तो उससे हमें यह पता चलता है कि फायर को भी जलाने के लिए मोमबत्ती की एयर की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ व्हाट मेक्स द एयर डर्टी। अब अपने हम लोगों ने देख लिया कि एयर कितना इम्पॉर्टेंट है। हर जगह एयर इम्पॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए कहो के घर में कहो के घूमने के लिए कहो, हर जगह एयर इम्पॉर्टेंट है। पर ये एयर डर्टी कैसे हो जाता है ना। हमको हर चीज़ की क्लीनलीनेस की ध्यान रखनी है, जैसे कि भाई पानी जो हम पीते हैं वो प्योर होना चाहिए, पानी को गंदा नहीं करना है। इसी तरह से जो हम एयर यूज़ कर रहे हैं उसको भी सेफ रखना है, क्लीन रखना है। तो वो हम पहले देखेंगे कि एयर को कौन सी चीज़ें डर्टी करती है और फिर उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। स्मोक फ्रॉम कार्स, फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम बर्निंग गार्बेज और फायर क्रैकर्स कैन मेक द एयर डर्टी। तो जो हम कार यूज़ करते हैं ना, अगर उसका इंजन ख़राब हो या किसी ने पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दिया हो, तो उससे क्या होता है, हमारे एयर में पल्यूशन हो जाता है, काला काला धुआं निकलने लग जाता है गाड़ियों में से, तो उससे एयर पल्यूट हो जाता है। देन फैक्ट्रीज़ जो होती है वहाँ से तो ऑलरेडी काला धुआं निकलता है, इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो विलेज एरियाज होते हैं ना वहाँ पर फैक्ट्रीज़ बनाई जाती है और उसके आसपास बहुत से ट्रीज़ उगाए जाते हैं, जिससे फैक्ट्रीज़ से निकलने वाला जो धुआं है वो ट्रीज़ में मिक्स हो जाए और वहाँ से एयर प्योरीफाई होकर निकले। एंड फ्रॉम बर्निंग गार्बेज। अब जो कचरा जो होता है ना, वो कचरा को जलाते हैं, बराबर, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग जलाते हैं, और उसके अंदर से जो काला धुआं निकलता है उससे भी हमारी एयर पल्यूट हो जाती है। और जो दिवाली में हम लोग पटाखे फोड़ते हैं उससे भी हमारे एयर में पल्यूशन आ जाता है। तो ये सब चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना है। टू मच डस्ट एंड डर्ट कैन ऑल्सो मेक द एयर डर्टी। अब इसका तो एग्जाम्पल आप लोगों को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो हमारी सिटीज़ में इतना डस्ट एंड डर्ट फैल चुका है, हर जगह खुदाई हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, धूल और मिट्टी हर जगह से उड़ रही है और उसकी वजह से पूरे एयर में डस्ट और डर्ट फैल रहा है, तो उससे पल्यूट हो रहा है हमारा एयर। ब्रीदिंग डर्टी एयर कैन मेक अस सिक।
तो ये जो डर्टी एयर अगर हम ब्रीद करेंगे, उसके हम सांस लेंगे, तो उससे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसी जगहों पर जाने से पहले मास्क पहनकर ही जाना है। और वैसे भी आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में तो अगर आप कहीं भी बाहर जाओ तो मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, है ना, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो आप लोगों को हर जगह मास्क ही पहन कर जाना है, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द एयर क्लीन, एयर को क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जगह जगह पर ट्रीज उगाएंगे, जिससे हमारी एयर क्लीन होती रहेगी, प्योरीफाई होती रहेगी। प्लांट्स हेल्प इन क्लीनिंग एयर, है ना, प्लांट्स जो है वो एयर को क्लीन करने में मदद करता है। दैट इज़ वाई अ प्लेस विथ मैनी ट्रीज हैज़ क्लीन एयर, और इसीलिए जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज होती है वो प्लेस क्या होती है, क्लीन एयर वाली होती है। ज़्यादातर हम लोग घूमने कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पे। तो हिल स्टेशन पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज और क्लीन एयर होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश फील करते हैं। तो अगर हमको ऐसा ही रिफ्रेश फील करना हो तो हमको हमारे घर के आसपास भी बहुत सारी ट्रीज उगानी चाहिए, जिससे हमको डे टू डे अच्छी फ्रेश एयर मिलती रहे। ओके, नाउ लेट अस क्विक चेक। डैश हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, एयर को क्लीन करने में कौन सी चीज़ मदद करती है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लांट्स। ओके, नाउ लेट अस टेक न्यू वर्ड्स, विंड। अब विंड क्या है, मूविंग एयर, है ना, मूविंग एयर जो है वो है विंड। ब्रीज, ब्रीज क्या है, विंड ब्लोइंग जेंटली, जो विंड धीरे धीरे चलती है उसे हम कहते हैं ब्रीज। स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या है, विंड ब्लोइंग हार्ड, यानी जो विंड एकदम तेज चलती है उसे हम कहते हैं स्टॉर्म। स्मोक, स्मोक क्या है, द गैस गिवन आउट बाय कार्स एंड फैक्ट्रीज, कार्स और फैक्ट्रीज में से जो गैस निकलती है उसे हम कहते हैं स्मोक, डस्ट। फाइन ड्राई पाउडर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, डस्ट क्या है, डस्ट यानी कि जो सूखा पाउडर टाइप का जो मटेरियल्स होते हैं, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, उसे हम कहते हैं डस्ट। हमारी जबान में हम सिंपली कहते हैं मट्टी, धूल, मट्टी। ओके, जो धूल होती है ना, जैसे घर में भी मम्मी झाड़ू निकालती है तो धूल उड़ती है ना, कभी कभी आप देखना जहाँ सन की रेज पड़ती होगी ना, वहाँ आपको छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स दिखेंगे, तो वो क्या होती है, दैट इज़ डस्ट। ओके, अगर आप लोग स्कूल में होते तो ये चैप्टर तो आपको समझने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता, पर आई होप मैंने अभी जो समझाया उसमें भी आपको बहुत मज़ा आई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल राइट चिल्ड्रन, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टेक केयर चिल्ड्रन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।